यूपी में 50 साल की उम्र से ऊपर के सरकारी कर्मचारियों के सामने अब बस दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें या फिर उन्हें जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दी जाए। यूपी में 50 साल से ज्यादा उम्र के अनफिट कर्मचारियों को हटाया जाएगा। सभी विभागों के प्रमुख को भेजे गए आदेश में कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का आदेश दिया गया है। इसी महीने 31 जुलाई तक कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देनी होगी। नया आदेश का असर यूपी के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा। सरकारी कामकाज में तेजी लाने और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए यह आदेश दिया गया है। सभी कर्मचारियों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कामकाज की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। अचानक आप कौन से क्राइटेरिया से उनको हटा देंगे और कैसे ही आप साबित करेंगे कि आप निष्पक्ष तरीके से इनके कैरेक्टर रोल या उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं? बहुत इनसिक्योरिटी आएगी और कर्मचारियों के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। एक नाकाम मुख्यमंत्री है, प्रदेश उनसे चल नहीं पा रहा है और इसी तरीके से वो गलत कदम उठा के उत्तर प्रदेश को तबाह करने पर लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है कि वो अपना क्या निर्णय लेती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट तो हर जगह होते रहते हैं, लेकिन किसको करना है किसको नहीं करना है संबंधित सरकार का ही विषय है।